जम्मू कश्मीर से समूचे उत्तराखंड के लिए एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। यहां पर मां भारती की सेवा करते हुए अल्मोड़ा जिले के रानीखेत के मनीष बिष्ट शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जवान को गोली लगी है, जिस कारण वह वीरगति को प्राप्त हुए हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक सैन्य सूत्रों ने मामले की पुष्टि नहीं की है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार अल्मोड़ा जिले के रानीखेत तहसील के द्वाराहाट क्षेत्र के कफड़ा गांव निवासी 23 वर्षीय मनीष बिष्ट इन दिनों जम्मू कश्मीर के मैंडर क्षेत्र के पुंछ इलाके में तैनात थे, जो बीते शनिवार को बालाकोट सेक्टर के बहरोड चौक पर तैनात थे। तभी संदिग्ध परिस्थितियों में उन्हें गोली लग गई, जिसके चलते वह शहादत को प्राप्त हो गए। शनिवार को ही उनके परिजनों को इस घटना की जानकारी दे दी गई थी। हालांकि पूरे प्रकरण की जांच में जम्मू कश्मीर पुलिस जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि डेढ़ महीने पहले ही स्वर्गीय पूरन सिंह बिष्ट के बेटे मनीष बहरोट बालाकोट मैंडर में तैनात हुए, जो 18 कुमाऊं रेजिमेंट का अभिन्न हिस्सा थे। शहीद मनीष के बड़े भाई दीपक बिष्ट ने मीडिया बातचीत में बताया कि मनीष एक महीने की छुट्टी काटकर ड्यूटी पर गए थे। उन्होंने बताया कि मनीष कोरोना काल के दौरान कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। बेटे के शहादत होने की खबर सुनते ही उनकी मां हेमा देवी बेसुध पड़ी हुई है। वहीं पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।